जीटी पटना में जो अगले महीने एग्जीबिशन होने वाला है उसमें एग्जीबिटर की तरह से पार्ट ले रही है, और हैदराबाद में नेक्स्ट ईयर नवंबर 24 में जो एग्जीबिशन है उसकी मेन स्पॉन्सर है। तो मैं जीतू सर से ही समझना चाहूँगा, थोड़ा सा जीटी के बारे में आप बताएं इनसेंस मीडिया के रीडर्स को, हमारी ऑडियंस के को, जीटी इंडिया की जर्नी के बारे में और अपने बारे में। जीटी स्टार्टेड ए फादर बिफोर 54 इयर्स एंड इन द फील्ड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग स्टार्टेड फ्रॉम 2000। वी स्टार्टेड एज ए स्क्रैच एंड आफ्टर लर्निंग वन बाय वन प्रोसेस। हम जब शुरुआत किए थे आवर फैक्ट्री वॉज वेरी लिटिल, पर डे 50 केजी प्रोडक्शन, बट एज टाइम गोज एंड समय जाता गया वी आर गुड टू गो विथ टूडे 8,000 टन पर डे एंड वी आर स्टिल फोकसिंग टू एक्वायर मोर। एंड इन अगरबत्ती इंडस्ट्री वी वॉन्ट, आई विल नॉट से अगरबत्ती इंडस्ट्री, इंसेंस इंडस्ट्री, ऑल पूजा प्रोडक्ट, वी आर कमिंग अप विथ ऑल द प्रोडक्ट्स। एंड इन अपकमिंग 3 ईयर आई थिंक मे बी विल बी द वन ऑफ द लीडिंग ब्रांड इन द मार्केट। जीटी चेन्नई बेस्ड एक ग्रुप है, और अभी डिस्कशन में मेरे को मालूम चला है कि जीटी का सारे मतलब डोमेन्स मिला के कंस्ट्रक्शन के अलावा प्रिंटिंग, पैकेजिंग, एजुकेशन में भी जीटी का एक्सपोजर है, और जीटी एज ए ग्रुप मिला के काफ़ी बड़ा साइज अटेन करता है। तो जीटी ग्रुप के बारे में भी जीतू सर थोड़ा सा आप मेरे को बताएं। ऑल टुगेदर वी आर इन वेरियस फील्ड, एस इन्होंने बताया, जैसे वी आर इन एजुकेशन, लीजिंग, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट, पॉलिश फैक्ट्री, दैट अगरबत्ती तो सब फैक्ट्रियाँ ही है। ऑल टुगेदर आई से वी आर डूइंग अराउंड 2000 CR पर एनम। अमेजिंग। जीटी इंडिया 2000 करोड़ के टर्नओवर वाली कंपनी है, मतलब एज ए ग्रुप कंपनी, और आप कंपनी से मिल रहे हैं पटना में, और पटना के बाद हैदराबाद में स्पॉन्सर की तरह से।